दोस्तों हम अभी खड़े हैं ऐतिहासिक मोरवादी मैदान में और आज विजयादशमी है, तो विजयादशमी को आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि आज मोरवादी ग्राउंड में रावण दहन की जो तैयारी है वो पूरी कर ली गई है। इधर स्टेज है, यहाँ पे स्टेज बनाया गया है और आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि रावण यहाँ पे मौजूद है। देखिए रावण, विभीषण और कुंभकर्ण यहाँ पे मौजूद हैं। तो आप देख रहे हैं कि रावण जलने की पूरी तैयारी यहाँ पे कर ली गई है और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक ये सोने की लंका का प्रारूप दिया गया है जो आज जलेगा। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि रावण की यहाँ पे कैसी तैयारी चल रही है और क्या क्या इंतजाम किए गए हैं। ये देखिए दोस्तों, ये लंका बनाया गया है, सोने की लंका इसे बनाया गया है और आप देख रहे हैं कि इसे पूरी तरह से सजाया गया है। कितना सुंदर ये है और ये लंका जो है ये जल जाएगा, ये लंका पूरी तरह से आज विजयादशमी के मौके पे। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सामने में स्टेज है, खचाखच भीड़ रहेगी दोस्तों। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये तीनों रावण जो हैं, ये तीनों रावण यहाँ पर विराजमान है। तो ये मोरवादी मैदान का ऐतिहासिक ग्राउंड है। ये देखिए दोस्तों, ये अलग अलग तरह का यहाँ ये पटाखे हैं जो छूटेंगे रावण जब चलेगा तब। ये रावण जो है काफ़ी शानदार है, काफ़ी शानदार बनाया गया इस रावण को। तो शाम के वक्त काफ़ी भीड़ होने वाला है यहाँ पे। बच्चे लोग आए हैं यहाँ पे जो ले रहे हैं फोटोस वगैरह, सब कुछ ले रहे हैं यहाँ पर, को दिखा रहे हैं कि रावण जो यहाँ पे जलती है। तो बच्चों को काफ़ी एक्साइटमेंट होता है, बच्चों में काफ़ी ये होता है, तो काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे लोगों को आके। लगभग यहाँ पे पूरी तैयारी कर ली गई है और आज शाम 5 बजे रावण दहन 6 बजे होगा, 5 से 6 बजे के बीच। यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरे पीछे कि रावण, विभीषण और कुंभकर्ण की यहाँ पर जो पुतला है उसे यहाँ पे सजाया गया है। ये रावण जो है ये लगभग 60 फीट का है और 50 फीट का है आपका कुंभकर्ण और विभीषण। तो यहाँ पे पंजाबी हिंदू बिरादरी जो है वो काफ़ी मशक्क़त करती है और काफ़ी यहाँ पे मेहनत करती है इसे बनाने में। तो आप अगर आप आना चाहते हैं आज मोरवादी मैदान में तो आप आ सकते हैं और इसका आप लुत्फ उठा सकते हैं। तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आगे मिलते हैं।